कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप अपनी यूपीएससी अर्निंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू योजना आईएएस। मायसेल्फ किरण कराकोटी एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप अपनी यूपीएससी अर्निंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं और आपका टाइम भी इससे वेस्ट नहीं होगा। तो हेयर कुछ वेबसाइट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको फॉलो करना। देखिए, अगर आप बेस्ट वेबसाइट्स की बात करते हैं अपनी जर्नी के दौरान, आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जानिए कि आप योजना आई इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको वीकली क्विजेस, देखिए वीकली रिविजन जब आप करते हैं ना करंट अफेयर के, उसके बाद आपको क्विजेस सॉल्व करनी होती है। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आप एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, आप इसको मंथली मैगजीन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में इसमें चीज़ें लिखी भी होती हैं। अगर आप देखिए, हर इंसान तो बहुत अच्छे से इंग्लिश इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करता होगा जहाँ तक मुझे है, बट अगर आपको चाहिए कि इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाए तो आप योजना आईएएस की चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सॉरी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो चैनल भी इसका काफ़ी अच्छा है, प्लूटस आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, brunel.org को फॉलो कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा GS3 एंड GS3 में आपकी हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स के नोट्स एंड GS1 में भी हेल्प करेगा, थोड़ा ज्योग्राफी में ये आपको हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस करंट अफेयर में आपको इनसाइट्स इंडिया आपकी हेल्प करेगा। विजन आईएएस जो है वो करंट अफेयर भी काफ़ी सही रहते हैं और प्लस में आपको टेस्ट सीरीज में भी हेल्प करेगा। ऑल्दो सारी ही वेबसाइट्स जो हैं वो आप हाईलाइट कर लीजिए, जिसमें से बेस्ट आपके लिए ये रहेगी, रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिलेगा एंड प्लस में अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपकी जो वीकली रिविजन है, मंथली रिविजन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। सेकेंडली हम चलते हैं बेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट जो सबको पढ़नी होती है। देखो, सबको लगता है ना सिर्फ करंट अफेयर्स या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर इनफ है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स निकाल रही है वो सब कहाँ से आप पढ़ेंगे उनको। तो आपको pib.nic.in वाली वेबसाइट विजिट करते रहनी चाहिए, एक दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं, इवनिंग में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आएगा, बट जब भी अपडेट आएगा आप उसे नोट कर सकते हैं। आप ये वाली क्लाइमेट चेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट। आप planningcommission.nic.in फॉलो कर सकते हैं जानने के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस कर रखे हैं। अगेन, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए gov.in भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आप paper 2 का पार्ट है ये सोशल जस्टिस, आप इसके लिए ये वाली वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। paper 2 में थोड़ा पोर्शन है सोशल जस्टिस का, तो उसके लिए आप ये वाली वेबसाइट फॉलो करिए। GS3 के लिए इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं, आपको पता ही होगा अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टर्म होती है जो आप अगर इस पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि RBI ने क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या बेसिस पॉइंट्स ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, वो सब चीज़ें, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आप कुछ डाटा इससे उठा के वहाँ पर लगा सकते हैं, मीन्स कि आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम कुछ YouTube चैनल्स हैं जो सब पूछते हैं कि कौन से YouTube चैनल को वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं YouTube चैनल की बात करूँ, आप योजना आईएएस का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसमें, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा डेली, ठीक है। इसके अलावा आप प्लूटस आईएएस की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सनसेट टीवी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब आप डिबेट देखेंगे ना तो आपको कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कि क्रिटिकली एनालाइज करो,
तो वो सब चीज़ों में आपका हेल्पफुल रहेगा। आपको प्लस और माइनस पॉइंट दोनों पता होने चाहिए। जब हम डिबेट देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पर्सपेक्टिव क्या क्या है लोगों का, और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एनी एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। वो आपको संसद टीवी में जो भी डिबेट्स चलेंगे उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें पता चल जाएंगे, इसलिए लोग संसद टीवी फॉलो करते हैं। डाउन टू अर्थ आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सही सही इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। इसके अलावा आप मृणाल पटेल की वीडियोस देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एट द एंड ऑफ द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है और ज़्यादा जानना है चीज़ों के बारे में, यूपीएससी जर्नी के बारे में, या फिर यूपीएससी की स्ट्रैटेजी, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, कोर्सेस, कुछ भी अगर आपको जानना है योजना आईएएस से रिलेटेड, या फिर कॉमनली कोई इंक्वायरी भी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8595390705 पे, या फिर 8595391135 पे। अगर आपको मेल करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं info@yojanais.com पे। थैंक यू।